नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ राधिका। केरल में गोल्ड रैकेट के खुलासे के बाद से हंगामा मचा हुआ है। गोल्ड रैकेट की आरोपी स्वप्ना सुरेश ने दावा किया कि राज्य के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन विदेशी मुद्रा की स्मगलिंग में शामिल हैं। इस बात की जानकारी कस्टम कमिश्नर सुमित कुमार ने केरल हाई कोर्ट को दे दी है। हालांकि इस मामले की जाँच कर रही NIA ने सुमित कुमार के दावों से अलग जानकारी दी है। NIA इस मामले की जांच कर रही है और उसका कहना है कि उसे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के इस मामले में शामिल होने के कोई सबूत नहीं मिले हैं। आपको बता दें कि कस्टम कमिश्नर सुमित कुमार ने हाई कोर्ट में एक स्टेटमेंट के जरिए कहा कि स्वप्ना सुरेश ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। कुमार के मुताबिक स्वप्ना ने ये स्टेटमेंट एर्नाकुलम के मजिस्ट्रेट के सामने दिए थे। CM के अलावा स्वप्ना ने प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष और कैबिनेट के 3 मंत्रियों पर भी विदेशी मुद्रा की स्मगलिंग के आरोप लगाए हैं। स्वप्ना के आरोप राज्य में चुनावों से ऐन पहले आए हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के आरोपों से घिर गए हैं। गोल्ड रैकेट मामले की जांच 5 केंद्रीय एजेंसियां कर रही हैं। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के मुताबिक ये जांच राजनीतिक रूप से प्रभावित है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।